हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने आवास पर दुष्यंत पहुंचे, मीडिया से बातचीत उनकी ओर से की गई। साथ ही कहा गया कि नई सरकार और नई जिम्मेदारी के साथ जेजेपी और बीजेपी हरियाणा को आगे लेकर जाएंगे। रिपोर्ट देखें। रविवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद दुष्यंत चौटाला अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा प्रदेशवासियों ने जो नई जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों की कमेटी का गठन होगा और हम बढ़ते अपराध पर लगाम लगाएंगे। तमाम हरियाणा वासियों को, देशवासियों को दिवाली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा प्रदेश ने एक नई सरकार के तौर पर नई जिम्मेवारी इस पावन पर्व जो दी है ये विश्वास दिलाते हैं कि मिलकर हरियाणा प्रदेश को प्रगति के उन्नति के पथ पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ले जाने का काम करेगी। प्राथमिकता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के ऊपर एक कमेटी का गठन कर प्राथमिक तौर पर 75% रोजगार में हिस्सेदारी युवा की हो, किसान को MSP का उचित दाम मिले, ये 300 किलोमीटर जो बच्चों को बसों में जाना पड़ता था उस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। उसके साथ साथ क्राइम रेट जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है सबसे पहला कदम उसको कंट्रोल करने के लिए उठाने का हम काम करेंगे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। आपको बता दें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी के साथ आने पर निशाना साधा था और कहा था जेजेपी ने जनता की भावनाओं के साथ धोखा किया है। जो अब इनका जो गठबंधन बना है वोट किसी की और सपोर्ट किसी की, जो जन भावना या जनादेश होता है उसका सम्मान करना चाहिए। ये जो जेजेपी पार्टी है उसने जन भावना का सम्मान नहीं रखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए गए बयान वोट किसी को सपोर्ट किसी को, इसे लेकर तंज कसते हुए दुष्यंत और दिग्विजय ने कहा कि CLU के घोटाले कर हुड्डा ने प्रदेश को लूटा है। दिग्विजय ने कहा हुड्डा जेल जाने के लिए तैयार रहे। वोट तो ना बीजेपी के पक्ष में हमने मांगे थे ना कांग्रेस के पक्ष में मांगे थे। जनमत ने 18,60,000 वोट जननायक जनता पार्टी को दिए जिससे 10 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे। मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने, जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश में स्थायी सरकार चलाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उस निर्णय को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मनोहर लाल खट्टर जी ने और मैंने प्रदेश के अंदर ये आज निर्णय लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग आज कह रहे हैं कि वोट किसको सपोर्ट किसको, उनसे ये पूछने का काम किए क्या हमने उनके पक्ष में वोट मांगने का काम किया था। वो तो वो लोग हैं जिनने CLU का काम कर इस प्रदेश को लूटा। हुड्डा को तो एक बात का पता है कि जो तूने चौटाला साहब और अजय सिंह जी के साथ किया था, जो फसल बोई थी उसको काटने का समय आ गया। भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा की सभाओं में कह करके गए थे कि वो लोग आज जेलों की चौखट पर खड़े हैं, तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को भी ये लगता है कि तेरी दाल तो गली नहीं, इसलिए अब तेरे को जेल ना जाना पड़ जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल नई सरकार बनने के बाद ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, लेकिन देखना होगा नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।